हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। तो आज की रीडिंग अल्फ़ाबेट रीडिंग होगी गाइस। यहाँ पर ए से लेकर जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स हैं। यहाँ पर मैं दो पाइल्स क्रिएट करूँगी, पाइल वन पाइल टू। पाइल वन में या पाइल टू में जिस भी पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर आएगा वही पाइल आपको देखनी है, ठीक है। सो इट्स सिंपल, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, ठीक है। आपके नाम से नहीं हो रही है रीडिंग, तो आपके पार्टनर के नाम से देखिएगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि मैम मेरा नाम भी इसी में है। तो आपको ना आपके नाम से देखनी है, ना आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है उसके नाम से देखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के नाम से देखनी है। सो दो पाइल क्रिएट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की ये मैसेजेस प्लीज़ गाइड करें। जिन भी लोगों को पाइल वन में मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके लिए पाइल वन, जिनके लिए पाइल टू में मैसेजेस होंगे उनके लिए पाइल टू क्रिएट करें। तीन शफल के बाद मैं पाइल डिवाइड करूँगी। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। ओके, ये है पाइल वन, ये है पाइल टू। पाइल वन को हम यहाँ रख रहे हैं, पाइल टू को हम यहाँ रख रहे हैं। पाइल टू में अल्फ़ाबेट ज़्यादा है। कुछ लोग कहते हैं मैम एन को सीधा रखा कीजिए। एक्चुअली मैं अपने सामने सीधा रखती हूँ, बट शायद इसमें उल्टा लगता हो। कोशिश करूँगी सीधा रखने की। वाई टी ई जे W M O Z C X A, ठीक है। आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर अगर इनमें से है तो ये पाइल आपके लिए है। देखते हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, विल टेक फाइव कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से है आंसर्स अराइविंग, ठीक है। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर वन सेलेक्ट किया है, सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए है। आपको हमेशा हमेशा इन पर डाउट रहता है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है, ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, और आपके जो पार्टनर हैं इस बात को सुन सुन कर बिल्कुल से चिढ़ चुके हैं। इनको अब ऐसा लगता है कि जब सामने वाली या सामने वाला मुझे धोखेबाजी समझता है तो ठीक है, अब मैं वही करके दिखाऊँगा या वही करके दिखाऊंगी। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिसको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनका गुस्सा आपके ऊपर फूटेगा, और वो गुस्सा इस तरह से फूटेगा कि ये आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको रियलाइज़ हो कि ये आपको चीट कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कह दिया हाँ मैं चल मैं किसी से बात कर रहा था, या मैं हाँ मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, या मिलने गया था दोस्त के साथ घूम रहा था, इस तरह की कोई बातें हो सकती हैं जिससे आपको ना बिल्कुल मिर्ची लग जाए और आपको ऐसा लगे कि यार क्या तरीका है ये, मैं जितना ही मतलब चिढ़ रहा हूँ या चिढ़ रही हूँ उतना ही ये वही काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये आखिर मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं, या क्यों जेलसी करके खुशी मिल रही है इनको। तो इस बात को लेकर आप दोनों में बहस हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई हस्बैंड है और वो किसी अपनी दोस्त के साथ है या उससे बातचीत कर रहा है, आपने मैसेज में देख लिया, अब आपको अंदर अंदर वो चीज़ खाई जा रही है कि किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। और जब आपको पता चल जाए, सपोज़ कि आपके हस्बैंड ने बोल दिया कि हाँ ये मेरी बचपन की दोस्त है, स्कूल मेट है, हम लोग स्कूल से साथ में रहे हैं, अब जाकर फिर से बातचीत शुरू हुई, तो अब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी एज वाइफ़, क्योंकि वाइफ़ की जो एनर्जी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, पॉजिटिव होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगेगा यार ये क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ऐसा क्या रिश्ता है इन लोग के बीच में। अब आप चलोगे थर्ड पार्टी को स्पाई करने की, ये कौन है, क्यों है, क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सामने वाले को कई बार ऑड लगती हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड का पॉइंट जो है वो क्लियर है
वो आपको चीट नहीं कर रहे, उनकी दोस्त है और वो सिर्फ बात कर रहे हैं। अब आपके मन में तो 50 चीज़ें घूम रही हैं, अब आप सामने वाले को ब्लेम कर दो, सामने वाला कहे कि यार मैंने तो सिंपली दोस्त के रूप में बात करी, इसको क्या हो गया। अब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये रिलेशनशिप को बिगाड़ देती है। इसलिए कभी भी रिलेशनशिप में गिव हिम और गिव हर फुल फ्रीडम, ठीक है, उनको फुल फ्रीडम दो और अपने भी फुल फ्रीडम में रहो। ना आप उनके में इंटरफेयर करो, ना वो आप में इंटरफेयर करें, ठीक है। ये सिचुएशन आपके लिए बेस्ट सिचुएशन होती है, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग उसी व्यक्ति के साथ रहना है। स्पेशली अगर आप मैरिड कपल हैं, या आप अगर अनमैरिड कपल भी हैं, तो आपने इंटेंशन तो ये रखा है ना कि हाँ मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है या शादी करनी है। तो जब आप स्पेस देते हो तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और सस्टेन करता है, और ट्रस्ट इश्यूज नहीं होते, क्योंकि आपने फुल फेथ किया है, ठीक है, उसने भी आप पर फुल फेथ रखा हुआ है, तो आपको डर नहीं लगता। लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों को पकड़ लेते हो ना, आपको हमेशा लगता है अरे ये तो झूठे हैं, ये तो धोखेबाज हैं, अरे ये तो मुझे झूठ बोल के गए बाहर, या आपके मन में फिर एक इल्यूजन्स को बढ़ावा देते जाओगे तो बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट होते जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं आपकी इन हरकतों के कारण, जिसके कारण ये आपको ब्लॉक कर देते हैं या बिल्कुल अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। और जब ये डिटैच हो जाते हैं तभी भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ते, आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो यही पार्टनर चाहिए। तो अगर ये कहेंगे चलो मैं बहुत बुरा हूँ मुझे छोड़ दो जाओ अपने रास्ते, तो भी आपको खुशी नहीं मिलती, आपको ऐसा लगता है नहीं ऐसे कैसे चले जाऊँ, ठीक है। तो ये सिचुएशन रिलेशनशिप को अंदर 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 इस तरीके से खाती है कि या तो आप बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो, आप रोते हो, तड़पते हो, परेशान होते हो, या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ कैसा बिहेवियर हो गया इसका, शुरू में तो ऐसा नहीं था। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर इस पाइल में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है, जैसे इन्होंने इन कुछ अपना समझकर आपको अपना पास्ट बता दिया हो कि हाँ मेरा पास्ट में किसी से अफेयर था, या पास्ट में मेरी कोई ऐसा ब्रेकअप हुआ था, और सपोज़ कि उनका मैसेज आ रहा है। अब इन्होंने आपको बता दिया कि यार मेरी एक्स जो भी थी या था वो मुझे अब रीच आउट कर रहा है, अब क्यों आ रहा है, ठीक है, मैंने तो उसको बोल दिया कि अब मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। सपोज़ इन्होंने अच्छे में आपको ये सच बता दिया, लेकिन आप अब कहोगे कि रिलीज़ हो चुका है पास, तो उससे क्यों बात कर रहे हो, वो क्यों मैसेज कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है, या तुम क्यों उसको नंबर दिए, इस बात को लेकर भी बहस। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। तो इस पाइल में इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, छोटे छोटे मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे नहीं हैं, ये भी कि सर पैर ही नहीं है, बेसलेस मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे इस पाइल में। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जैसे आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हों और यहाँ पर स्टेज वाइज आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग सेम जेंडर में हो सकते हैं, मे बी आप फीमेल हैं और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो भी फीमेल हो, मे बी आप दोनों का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, या इस तरह की भी वाइब्स यहाँ पर कुछ कुछ पिक हो रही हैं, बिकॉज वी हैव गॉट यहाँ कार्ड। ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में स्टेज वाइज आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ कन्फर्मेशन आपको हो रही है, कुछ कन्फर्मेशन उनको हो रही है, कुछ डिस्कशंस वो आपसे कर रहे हैं, कुछ डिस्कशंस आप उनसे कर रहे हैं, तो ये भी मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपनी कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये बहुत परेशान थे जिस कारण से आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी, और यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत सारे आपके मन में, जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आपके पार्टनर से मिल सकते हैं। जैसे इन्होंने हाय हेलो किया, हालचाल लिया, अब आपने इनसे कुछ पूछा, इन्होंने आपको बताया, उसके बाद आपने अपने मन में जो भी सवाल हैं आपने इनसे पूछे और ये आपको बताएंगे। मतलब कई बार क्या होता है कि आप पूछते हैं बट वो लोग रिप्लाई नहीं करते, पूरे डाउट्स क्लियर नहीं करते। इस बार ऐसा होगा कि आप जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे आपके पार्टनर हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो ये थी गाइस पाइल वन की एनर्जी रीडिंग, मैसेजेस आपके पर्सन के किस तरीके के हो सकते हैं, किस तरीके की इनकी वाइब्रेशंस हैं, एनर्जीज हैं, ये मैंने आपको बता दी है। सो वीडियो अगर आपसे आने वाले टाइम में रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने भी पाइल नंबर टू सेलेक्ट किया है, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर पाइल वन में नहीं आया है, तो उन सब के लिए है पाइल नंबर टू। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल कर आए हैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से।
सो सबसे पहले पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर, अगर आपका आई है, पी है, एन है, कुछ लोग बोलते हैं मैम एन को सही रखिए, अब मेरे को तो ये सही लग रहा है, बट आप लोगों को कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता रहता ना, क्योंकि मैं अपने सामने तो उल्टा नहीं रख सकती. सो वी हैव एच, ये एन है बता दे रही हूँ, ठीक है. देन वी हैव बी, के, क्यू, एस, एफ, यू, जी, डी, वी, आर, एल, ठीक है. आपके पार्टनर के दिख रहे हैं सारे अल्फ़ाबेट्स, ऐसे कर देती हूँ. आपके पार्टनर के नाम के अल्फ़ाबेट्स अगर इनमें से हैं तो ये है पाइल नंबर टू. देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए. विल टेक फाइव कार्ड्स प्लस बॉटम ऑफ द डेक. मैसेजेस, मैसेजेस, ओके, वाह. पाइल वन की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है पाइल टू से, पाइल टू की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है पाइल वन से. वन मोर कार्ड, ओके. चाय, 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 मेडिटेशन. किसको किसको चाय पीनी है, चलो साथ में चाय पीते हैं. खाना आना मत दिखाया करो भाई, मुझे भूख लग जाती है, समझते हैं. फिर भी यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहला मैसेज आपके पार्टनर का आपके लिए जो निकल कर आया है वो है कि ये कंप्लीट होना चाहते हैं. कुछ एनर्जीज आप में हैं, कुछ एनर्जीज इनके में हैं, आप दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर संपूर्ण बनेंगे. यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे ऐसी एनर्जीज जो इक्वल असेंशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं. आप अपनी लाइफ में असेंड कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में असेंड कर रहे हैं. यहाँ पर उनके यूनियंस नज़र आ रहे हैं, बैलेंस नज़र आ रहा है. आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं. जैसे अगर उनके अंदर पहले डोमिनेटिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी, मतलब मैस्कुलिन डोमिनेंट बहुत ज़्यादा थे और आप फेमिनिन डोमिनेंट बहुत ज़्यादा थे, तो अब आप फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस कर चुके हैं और आपके पार्टनर भी अब अपना फेमिनिन मैस्कुलिन बैलेंस कर रहे हैं. ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है. तो इनका मैसेज ये है कि ये पीसफुल रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं. इन्हें भी आपसे अपने ड्रीम्स शेयर करने हैं, अपने कुछ साइंस में भी इनको कुछ ऐसे गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, या इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, ये जो ड्रीम्स देख रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे सच हो जा रहे हैं, या इनको कोई ऐसी चैनलिंग हो रही है जिसके बाद वो चीज़ें सत्य हो रही हैं, या ये किसी को कुछ बोल दे रहे हैं और वो ऑन द स्पॉट सत्य हो जा रहा है. तो इनको ऐसा लगता है कि कोई तो कोई डिवाइन पावर्स हैं जो आपको और इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और यूनियन में ले आना चाहते हैं. इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर को यहाँ पर पास्ट लाइफ्स नज़र आ रही हैं आपके साथ. तो जो पास्ट लाइफ्स इनको नज़र आ रही हैं उसको ये नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे. इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको दूर करके या किसी इल्यूजन में रहकर, मे बी इन्होंने आपको हमेशा डिसरिस्पेक्ट किया हो कि यार तुम हमेशा साइको वाली बातें करती हो या करते हो हमेशा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में इनसे डिस्कस किया हो या डिवाइन कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया हो कि हम दोनों पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड हैं, मुझे ऐसा फील होता है. इन्होंने हमेशा मजाक में ले लिया हो कि अरे क्या बेवकूफ़ी है, क्या पागलपंथी बतियाती रहती है या बतियाता रहता है. तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने जो कुछ भी बोला था वो चीज़ें इनके साथ घटित हो रही हैं. इनको भी अब डिवाइन पावर्स पर बिलीव हो रहा है. इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स तो रखते ही थे और रखते ही हैं, बहुत ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है. लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप जो कहते थे ना कि हम इस धरती पर अपने कर्म पूरे करने आए हैं, हमें एक ना एक दिन एक होना है, हम यूनियन में आएंगे, हम दोनों एक हैं, तो अब इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि इनके जो कार्मिक्स हैं उनकी रियलिटी भी इनके सामने आ रही है. और इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें अब दूर की सोच पा रहे हैं बिना किसी इल्यूजन्स के. पहले इनको सब चीज़ मोह माया भ्रम लगता था, इल्यूजन लगता था, अब इनको सब चीज़ रियलिटी लग रही है. उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में ऐसे कनेक्शंस होते हैं, हाँ सच में ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसमें हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं.
अब ये ना थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं और ये सोच विचार करके एक स्ट्रॉन्ग निर्णय पे आना चाह रहे हैं कि क्या करना है, और इसके लिए क्योंकि इनको गाइडेंस नहीं मिल रही कैसे करना है क्या करना है, तो ये इस वक्त खुद से मेडिटेशन कर रहे हैं। जैसे आप में से कई लोगों के पार्टनर का ये मैसेज हो सकता है कि यार मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो गया और मुझे इस टाइम पीरियड में बहुत पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या बहुत डिप्रेस्ड हूँ मैं, तो मैं मंत्र जाप करता हूँ या मुझे कोई रेमेडी दी है किसी पंडित ने या किसी एस्ट्रोलॉजर से, इन्होंने अपने लिए कोई रेमेडी ली हो या इनके माँ बाप ने कोई रेमेडी ली हो या इन्होंने कहीं दर्शन पूजा इत्यादि किया हो कि हाँ मैं मुझे दर्शन करके थोड़ा एनर्जी मेरी बैलेंस हो, तो इस तरीके के कार्य आपको देखने मिलेंगे। आपके पार्टनर छुट्टी लेकर कहीं जा रहे हैं दर्शन पूजा करने या छुट्टी लेकर मेडिटेशन सेंटर में जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे योग साधना करने, शांत रहने, या अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। क्योंकि जब इंसान अवेकन होता है तो उसको डिवाइन अकेला कर देते हैं पूरी दुनिया से दूर, और कम से कम एक साल, डेढ़ साल, दो साल जितना भी उसको कुकून में रहना होता है वो उस कुकून में अपने सोल को असेंड करता है, डिवाइन से कनेक्ट करता है, और उसके बाद वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर बाहर आता है। तो यहाँ पर ये ब्रेक वाली एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन भी यहाँ पर आपके साथ कहीं जाना चाह रहे हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस को और ज़्यादा पेशेंटली सुनने की हिम्मत इनके अंदर आ रही है। पहले नहीं सुनते होंगे, अब सुनेंगे, अब उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसको एडमायर भी करेंगे और अपनी भी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जो मैसेज यहाँ पर पिक हो रहा है वो ये कि आपके पर्सन इस वक्त पे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये आपको मैसेजेस करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। अगर सेपरेशन है किसी थर्ड पार्टी के कारण और ये मैसेज कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग होगी कि इनकी एनर्जी आप तक पहुँच सकती है, आप इनकी एनर्जीज को पिक कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि दूर की देखो, मे बी आप किसी इल्यूजन में हो और ये आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह का अलर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इनके मैसेजेस को नहीं समझ पा रहे। और लास्ट मैसेज यहाँ पर है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं साथ में लंच डेट पे चलो या डिनर डेट पे चलो, थोड़ा टाइम इनके साथ स्पेंड करो, ये भी मैसेजेस इस फाइल में निकल कर आए हैं। सो ये थी गाइस आज की रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। होप आपको इस मैसेजेस से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।